हे फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियनर लाइफ एलोन मस्क। हाल ही में जिन्होंने दुनिया के सबसे अमीर आदमियों को पीछे छोड़ते हुए अपना स्थान नंबर एक पर कर लिया है। जी हाँ, अब तक बिल गेट्स और अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस ने ये स्थान प्राप्त किया था, लेकिन हाल ही में एलोन मस्क ने 188 बिलियन डॉलर से इनको पीछे छोड़ दिया है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एलोन मस्क की लाइफ के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आपको पता होंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की। मैं हूं अनस मशकूर और आप देख रहे हैं नॉलेज डिफाइन। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एलोन मस्क के पास 3 देशों की नागरिकता है? नहीं पता है तो चलो हम बताते हैं। नंबर 1 दक्षिण अफ्रीका, नंबर 2 कनाडा और 3 संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ गाइस, 12 साल की उम्र में वीडियो गेम तो सभी खेलते हैं, लेकिन यहाँ रोचक कर देने वाली बात यह है कि एलोन मस्क ने अपनी 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम एयर ब्लास्टर था, जिसको दक्षिण अफ्रीकी कंपनी ने $500 में खरीदा है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, एलोन मस्क ने 8 कंपनियों की भी स्थापना की, जिसमें जिप, पेपॉल, स्पेस, टेस्ला, हाइपरलूप, ओपन एल, न्यूरोलिंक और द बोरिंग ऑफ कंपनी। क्या आप जानते हैं कि एलोन मस्क ने मार्वल मूवीज़ में भी काम किया है? जी हाँ फ्रेंड्स, आयरन मैन 2 में एलोन मस्क ने अपना छोटा सा कैमियो आयरन मैन मूवी में दिया था, जहाँ पर वे टोनी स्टार्क से मिलते हैं और थोड़ी बातचीत के बाद टोनी स्टार्क वहाँ से चले जाते हैं। टेस्ला कंपनी को हर कोई इंसान आज की तारीख में जानता ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, एलोन मस्क ने 2013 में टेस्ला कंपनी को एप्पल के सीईओ टिम कुक को बेचने का प्रस्ताव रखा था। यह डील नहीं हो पाई थी, लेकिन अगर आज ये डील हो पाती तो एलोन मस्क की जगह टेस्ला कंपनी के मालिक एप्पल के सीईओ टिम कुक होते। लेकिन क्या पता ये ऊंचाई उन्हें मिल पाती नहीं मिल पाती। यहाँ पर एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी को आसमानों तक पहुँचा दिया है। टेस्ला कंपनी की कार प्रोडक्शन लगभग 5 लाख की है, जो कि 2019 से 2020 के बीच 40% बढ़ी है। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एलोन मस्क का आईक्यू 150 लेवल पर है? जी हाँ, जो कि नॉर्मल व्यक्ति के कई गुना ज्यादा है। गाइज, वन मोर फैक्ट्स ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का हम आखिरी फैक्ट्स बताकर इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट फैक्ट्स इतना गजब का है कि आप देखते रह जाएंगे। एक रिव्यू साइट पर एप्पल और टेस्ला कंपनीज के एम्प्लॉय के रिव्यू को कंपेयर किया गया, जिसमें से एक कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें यूं बताया कि एप्पल कंपनी के 85% एम्प्लॉयज वर्क कल्चर को बहुत अच्छा मानते हैं, दूसरों को भी इसके लिए रिकमेंड करते हैं, जबकि टेस्ला कंपनी की परसेंटेज मात्र 65% ही थी। इस बात पर एलोन मस्क ने जवाब देते हुए लिखा कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि तुम्हें वीक में मात्र 40 घंटे ही काम करवाएगी। मे बी वर्क कल्चर के हिसाब के लिए वो कंपनी अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि दुनिया वीक में 40 घंटे काम करने से नहीं बदली जा सकती, हमें इससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। फ्रेंड्स, इसी वजह से उस इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है। सो गाइज, आपका इन सभी फैक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसी ही और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आप किन और कंटेंट्स पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।